गरीबी बनी रिक्शा चालक की मौत का कारण पैसों के अभाव में पत्नी नहीं करा सकी अपने पति का इलाज। एक तरफ इस भयानक दौर में जब अपने साथ छोड़कर चले जा रही हो, वहीं दूसरी तरफ मानवता और इंसानियत को जिंदा बनाए रखने के लिए एकता का प्रतीक बने सभी क्षेत्र के लोग। दरअसल घटना जेपी नगर मऊ रोड खंडारी की है, जहां अचानक रिक्शा चालक राकेश की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसी बीच कुछ युवा साथी पहुंचे और 108 एम्बुलेंस पर कॉल कर और आपस में चंदा कर पहले हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। दूसरी तरफ कोरोना के डर से कोई भी रिश्तेदार सामने नहीं आया अंतिम संस्कार करने के लिए। कई घंटों तक महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रोती बिलखती रही और करती रही अंतिम संस्कार होने का इंतजार। जैसे तैसे दूरदराज राकेश के चाचा का बेटा आया, लेकिन खुद को अकेला देखकर उसका भी हौसला टूट गया। जब कोई नहीं आया तो सभी क्षेत्र के लोगों ने अंतिम संस्कार करने की ठान ली और समय को देखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पीपीई किट पहनकर मृतक राकेश का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। और जो सभी क्षेत्रवासियों ने धनराशि इकट्ठी की थी कि मृतक के परिवार के लिए राशन का इंतजाम भी किया। इस परिवार में 5 बच्चे और मृतक की पत्नी है, जो सालों से खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। अब तो इस परिवार में पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं रहा। ऊपर से बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप किसी को ऐसी परिस्थिति में देखें तो मदद जरूर करें, और अगर आप इस परिवार की कोई सहायता कर सकें तो जरूर करें। हम सरकार और प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि कृपया कर इस परिवार की हर संभव मदद करने का कष्ट करें।